नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल VKS Physics Academy में। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ रहे थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर के 5 लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या डिफरेंस है, पूरा डिटेल्स इसको एक्सप्लेन करेंगे नोट्स के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लेक्चर है वो 6 नंबर लेक्चर है, 4 नंबर यूनिट है जनरल BSc थर्ड ईयर की, और BSc BEd थर्ड ईयर के अंदर भी अप्लाई होता है। जो पेपर आपका सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, उसके अंदर सिलेबस में आप देख सकते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, कैसे काम करता है। इन्वर्ट का मतलब होता है प्रतिलोमी, यानी जो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस करे, इस टॉपिक के अंतर्गत इन्वर्ट का मतलब ये है। और नॉन इन्वर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी फेज में चेंज नहीं होना, सेम फेज होना। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब ये हो गया कि फेज में किसी भी प्रकार का चेंज ना करते हुए जो इनपुट सिग्नल है उसको एम्पलीफाई कर देने वाला जो परिपथ है, सर्किट है, वही नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहलाएगा। इसमें क्या होगा, जब नेगेटिव सिरे को यानी जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको Z1 प्रतिबाधा द्वारा ग्राउंड कर दिया जाए, और नॉन इन्वर्टिंग यानी कि पॉजिटिव सिरे और ग्राउंड के बिटवीन सिग्नल को आप अगर अप्लाई करें, तो इस प्रकार से जो सर्किट बनेगा उसे अप्रतिलोमी प्रवर्धक यानी कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं। ये इसका सर्किट डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं नेगेटिव के साथ Z1 को ऐड किया गया और इसको ग्राउंड कर दिया गया, और पॉजिटिव पे हम ग्राउंड के साथ क्या दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल दे रहे हैं। और यहाँ पर नेगेटिव के साथ में ही यानी इस जी पॉइंट के साथ में ही फीडबैक जो इम्पीडेंस है वो लगा दी गई है, और यहाँ पर आपको फीडबैक वोल्टेज भी मिलेगी, और लास्ट में ये आउटपुट है जो ग्राउंड के बिटवीन आपको मिलेगी। तो इस एम्पलीफायर में IC741 का यूज होता है मोस्टली, बाकी अलग अलग तरीके के IC का भी हम यूज कर सकते हैं जो प्रैक्टिकल के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ फीडबैक है वो नेगेटिव सिरे पर दिया गया है, यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पे फीडबैक लगाया गया है। अतः यहाँ पर विभेदी वोल्टता जो डिफ्रेंशिएट वोल्टेज है वो क्या आएगी, वो इस VI में से वो VF जो है वो हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो वोल्टेज है वो होगी। लेकिन जो एम्पलीफायर ये होता है इसकी हाई इम्पीडेंस होती है, उच्च प्रतिबाधा होती है, इस वजह से यहाँ पर धारा प्रवाह नगण्य होगा। जब हम यहाँ पर हम जब इसको इनपुट देंगे तो इसमें धारा प्रवाह लगभग नगण्य होगा क्योंकि इसकी उच्च प्रतिबाधा होती है। लेकिन जब हमने पढ़ा था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तब जब हम यहाँ पर इसको इनपुट देते हैं तो इसकी उच्च प्रतिबाधा के कारण जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो हो जाती है, जिसको हमने I2 और यहाँ पर हमने I1 दिखाया था, प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अब क्या होगा, अब हमें लगाना पड़ेगा वोल्टता विभाजन नियम, जिसे VDR कहते हैं, वोल्टेज डिविजन रूल कहते हैं। ये कैसे अप्लाई होता है, यहाँ पर आप सर्किट में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्राउंड है यहाँ पर प्रतिबाधा Z1 लगी हुई है, ये यहाँ पर आपको फीडबैक वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी, और ये फीडबैक आपका इम्पीडेंस है, प्रतिबाधा है, पुनर्निवेश प्रतिबाधा, और ये आपका वी नोट है। इस पूरे इतने जो शाखा है, ब्रांच है, इसको मैं अलग बना लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं वी नोट, ZF, और बिल्कुल उसी तरीके से मैंने बनाया जैसे कि सर्किट में हमने ऐड कर रखे थे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें Z1 में से कितनी वोल्टेज जा रही है वो बतानी है, यानी फीडबैक वोल्टेज जो VF है वो Z1 में से कितनी पास होगी। तो हमारे पास यहाँ पे दो वोल्टेज हैं, एक वी नोट है, एक VF है, और दो प्रतिबाधाएं हैं। तो जब हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे तो हमें VF की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है जो जी टर्मिनल पे है। VF इक्वल्स जिस प्रतिबाधा में से आपको निकालनी है वैल्यू, वो तो ऊपर आएगी Z1, नीचे आएगा टोटल प्रतिबाधाओं का एडिशन, यानी कि Z1 और ZF दो ही है यहाँ पे, तो इन दोनों का टोटल इंटू जो वोल्टेज यहाँ पे आपके पास है पॉजिटिव वाले, यानी कि वी नोट। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी, यहाँ पर VF की वैल्यू आ गई है, यानी कि फीडबैक वोल्टेज आपने निकाल ली। अब आप जानते हैं कि जो वोल्टेज गेन है वोल्टता लब्धि होती है A, वो वी नोट अपॉन VI माइनस VF होगी यहाँ पर, क्योंकि शुरू के अंदर इनपुट में जो डिफ्रेंशिएट वोल्टेज है वो आएगी और आउटपुट आपकी वी नोट है। तो डिफ्रेंशिएट वोल्टेज क्या है, VI माइनस VF,
और यहां से आप क्या करेंगे, V नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, V नॉट इक्वल्स A V I माइनस V F, यानी कि यहां पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां पर जो V F है फीडबैक वोल्टेज, यहां पर आप वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से V F की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, तो V नॉट क्या आएगी, V नॉट इक्वल्स A V I माइनस Z1 अपॉन Z1 प्लस Z F इंटू V नॉट, और इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2। अब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज गेन निकालनी है, यानी कि परिणामी वोल्टता लब्धि निकालनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर परिणामी वोल्टता लब्धि जो है, जिसे आप ए एफ लिखेंगे, ए एफ का मतलब विद फीडबैक और सिर्फ ए का मतलब विदाउट फीडबैक। तो विद फीडबैक में क्या जाएगा, आउटपुट क्या है वी नोट, इनपुट क्या आपने दी वी आई, तो टोटल वी नोट अपॉन वी आई का जो रेशियो है, अनुपात है, वो ए एफ के इक्वल होगा। और आप यहां पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प लेते हुए आपको ए एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां पर आप देख सकते हैं इस इक्वेशन की सहायता से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर जो यहां पे वी नोट है, यहां पर आपको इक्वेशन नंबर 2 से ये वी नोट की वैल्यू को पुट करना है, और फिर आपको वी नोट अपॉन वी आई का रेशियो बनाना है, जिसे आप ए एफ लिख सकते हैं। जहां पर कॉमन लेने की जरूरत है वहां पर आप कॉमन ले सकते हैं, या डायरेक्ट बन रहा हो तो डायरेक्ट बन जाएगा। थोड़ा सा आपको 3-4 स्टेप है यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा। तो जब आप सोल्व कर लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आएगी। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप क्या करेंगे, वी आई को आप कॉमन लेंगे बाहर, तो यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पर वी नोट अपॉन वी आई बन जाएगा, तो ये ए एफ यहाँ पे बन जाएगा, और जो कॉमन बाहर आएगा ये दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर भी ए एफ बन जाएगा। फिर इनको आपस में थोड़ा सा पक्षांतर करके सोल्व करेंगे तो ए एफ को आप अलग कर लेंगे, तो वो ए एफ जो है वो आएगा आपके पास ये ए एफ इक्वल्स 1 अपॉन ए प्लस जेड वन अपॉन जेड वन प्लस जेड एफ। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जेड वन अपॉन जेड वन प्लस जेड एफ जो है माइनस में है, लेकिन जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये पक्षांतरण से दूसरी साइड चला जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, और लेकिन ये अपॉन में जाएगा तो दूसरी साइड में इसको इनवर्स के साथ दिखा सकता हूँ। तो इक्वेशन नंबर आ गई 3। अब जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में पढ़ा था, और हम जानते हैं कि जो वोल्टता लब्धि है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो एक को इसके कंपैरिजन में आप नेगलेक्ट मान सकते हैं, यानी कि आपका ये वाला स्टेप है वो आप नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो ए एफ बराबर क्या आएगा, जेड वन अपॉन जेड वन प्लस जेड एफ, और ऊपर आएगा इनवर्स। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब यही तो है, ये जेड वन अपॉन जेड वन प्लस जेड एफ ऐसे है, तो इसको पलट के लिखा जाएगा ये, तो आपके पास क्या आएगा, ए एफ इक्वल्स जेड वन प्लस जेड एफ अपॉन जेड वन, और यहाँ से अलग अलग हम डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस जेड एफ अपॉन जेड वन, इक्वेशन नंबर आ जाएगी 4। यानी कि परिणामी वोल्टता लब्धि का मान है वो 1 प्लस जेड एफ अपॉन जेड वन आपके पास से आ चुका है। लेकिन अगर हम इसमें जो हमने इन्वर्टिंग में निकाला था, इन्वर्टिंग में हमारे पास यहाँ पर माइनस आया था, बाकी यही रिजल्ट था, जेड एफ अपॉन जेड वन यही रिजल्ट था वोल्टता लब्धि का, लेकिन माइनस था क्योंकि वो इन्वर्टिंग में होता है, और यहाँ पर ये नॉन इन्वर्टिंग है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग में माइनस नहीं आएगा। यदि जेड एफ जो है वो जेड वन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा हो, हाई हो, ग्रेटर देन हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इस एक को इस अनुपात के कंपैरिजन में नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एफ इक्वल्स जेड एफ अपॉन जेड वन आएगा, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर भी जो वोल्टेज गेन है, रिजल्टेंट वोल्टेज गेन है, वो आपकी प्रतिबाधाओं के अनुपात के बराबर आती है, और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इसी फॉर्मूले में सिर्फ आगे माइनस लग जाएगा, बाकी डिफरेंस नहीं होगा, जबकि इसका मेन जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर होता है, 1 प्लस जेड एफ अपॉन जेड वन के इक्वल होता है। इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर जो प्रतिबाधाओं के मान कैसे निकाले जाते हैं वो हम निकालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।